हेलो फ्रेंड, नमस्ते. वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल. मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आई हूं. आपके बाल बेहद खूबसूरत और मुलायम हो जाएंगे दोस्तों. बालों का DIY जो है मैं हमेशा शेयर करती रहती हूं, जिससे मेरे बाल भी खूबसूरत रहते हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत ही बढ़िया सा DIY मिल जाता है दोस्तों. आज भी बहुत ही ईजी और सिंपल सा हेयर DIY लेकर के आई हूँ, जिससे आपके बाल बेहद मुलायम, खूबसूरत और लंबे, घने, काले हो जाएंगे दोस्तों. दोस्तों अक्सर लोगों की जो समस्याएं होती है, सबसे ज़्यादा बालों का टूटना झड़ना होता है और बाल उसके बेहद मुलायम और रूखे होते हैं. तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बालों पे जो है एलोवेरा लगाएं, जिससे आपके बाल बेहद खूबसूरत और मुलायम हो जाएंगे दोस्तों. बाहर के बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बाल को खूबसूरत और मुलायम करने के लिए, बहुत ही महंगे महंगे कंडीशनर यूज़ करते हैं. तो ये एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो एलोवेरा जेल होता है. तो आज मैंने एलोवेरा लिया है और एलोवेरा के आप देख सकते हैं टहनी, इसका जो पीला वाला पार्ट होता है जो जहाँ से हम तोड़ते हैं, वहाँ पे एक येलो येलो सा वाइट जो है लिक्विड जैसा निकलता है. तो उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, उसको हमेशा आप क्या करें, वॉश करके और साफ कर ले और उसके बाद उसको काट करके हटा दे, क्योंकि वो उससे एलर्जी भी आपको हो सकता है आपके बालों में और स्किन पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो उसको काट के हटा के और इसके बाद हमने क्या किया है, एलोवेरा का जो पहला वाला जो ऊपर का स्किन है उसको अच्छे से निकाल दिया है चाकू की मदद से. उसके बाद आपको इस तरह से चम्मच की मदद से इसका जेल निकालना है. बहुत ही ईजी से जो है इसका जेल निकल जाता है. जेल निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों. आप जो है आराम से इस तरीके से जो है जेल निकाल सकते हैं. और जेल निकालने के बाद जो है दोस्तों इस तरीके से आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत सारा जेल निकाल के आप इसको ग्राइंड करके रख सकते हैं. अगर आप डेली इस तरीके से जेल निकाल नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारा जेल एलोवेरा का निकाल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके और फ्रिज में स्टोर करके रखिए और हर दूसरे तीसरे दिन आप जो है ये वाला DIY कर सकते हैं, अपने बालों पर लगा सकते हैं. आपके बाल बेहद खूबसूरत, सिल्की सॉफ्ट ज़रूर से ज़रूर हो जाएंगे दोस्तों. एलोवेरा के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. जितना ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, उतना हमारे फेस के लिए, स्किन के लिए और ख़ास तौर पर हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है. तो दोस्तों एलोवेरा के बहुत फायदे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं. अपने घर में जो है एलोवेरा का पेड़ पौधा जरूर लगा के रखें, जिससे आप इस तरीके का आप DIY कर सकते हैं. यहाँ पे मैं ग्राइंड नहीं करी क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी ली है, इसलिए चम्मच की मदद से इस तरीके से इसको जो बहुत ही अच्छे से फेंट लूंगी, जिससे इसका मोटा मोटा जो दाना जैसा होता है वो नहीं रहे और बहुत ही बढ़िया हमें एलोवेरा जेल मिले. तो दोस्तों आप मार्केट का भी एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट वाला बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. ये मैंने लिया है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल. ये बहुत ही बढ़िया तेल होता है दोस्तों. इससे बोला जाता है कि जहाँ पे आपके बाल नहीं हैं वहाँ पे भी ये बाल उगा देता है, इतना बढ़िया होता है अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल. तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच ली है. और उसके बाद मैंने लिया है ये कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों. ये मैं 1 चम्मच लूँगी. अगर ये सब नहीं है आपके पास तो आप जो है कोई भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैस्टर ऑयल है तो ज़रूर डालो, ज़रूर से ज़रूर डालें. उसके बाद ये मैंने लिया है, ये हमारा है विटामिन ई की गोली. आपको किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी. विटामिन ई हमारे बालों के लिए वरदान होता है, बालों को लंबा करने में, घना करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों. जितनी सामग्री ली है सबके सब बहुत ही बढ़िया है, हमारे बालों को बेहद खूबसूरत और मुलायम बनाते हैं. तो सभी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छे से जो है मिक्स कर देना है और ये बहुत ही बढ़िया आपका जो है हेयर DIY बन करके रेडी है. इसको आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है दोस्तों. तो दोस्तों आप जो है मैंने जैसे बताया आपको, एलोवेरा के पौधा जरूर अपने घर में रखें. विटामिन ई का टैबलेट आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं. कैस्टर ऑयल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर रखिए. और कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं. तो बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही बढ़िया हमारा हेयर DIY बना है. अब इसको लगाना कैसे है, लगाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे जो बालों का स्कैल्प वाला पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स होती है हमारे बालों को वो स्कैल्प से शुरू होती है. बालों को हमेशा ड्राई रखें और स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखें, साफ रखें, जिससे आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों. और स्कैल्प में हमेशा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और इसी की वजह से आपके बालों में टूटने झड़ने की समस्याएँ होती है, बेरुखे बेजान होते हैं. इसलिए पूरे बालों पर इस तरीके से लगाएं. जैसे बालों का जो सिरों वाला पार्ट होता है वहाँ पर दो मुहे बाल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बेरुखे बाल होते हैं. तो नेचुरल कंडीशनर ये बहुत ही बढ़िया होता है. इसको लगाएं पूरे बालों पे, जड़ों से लेके सिरों तक. आपके स्कैल्प से प्रॉब्लम दूर होगी, साथ के साथ ही आपके बालों की जड़ों की प्रॉब्लम दूर होगी, दुमे बाल खत्म होंगे, सिल्की सॉफ्ट बाल होंगे. तो सभी समस्या आपको ये वाला DIY खत्म कर देगा दोस्तों. ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव DIY है और बहुत ही अच्छा है दोस्तों. ज़रूर ट्राई कीजिएगा.
बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आज का ये वीडियो है, और इसको आपको लगाना क्या है, सप्ताह में आपको 2 बार ज़रूर लगाएं, और लगाने के बाद इस तरीके से पूरे बालों का मसाज दें, लगभग 10 से 15 मिनट। मसाज देने से क्या होता है, बालों की जड़ों की जो जो नसें होती है वो खुलती है, और उसके बाद जो है आपका जो है बहुत ही बढ़िया जो है बालों पे इसका असर होता है। तो मसाज देने के बाद बाल को इस तरीके से आपको शुद्ध लगभग मिनिमम 2 घंटे ज़रूर रखें इसको लगा के, और उतना टाइम नहीं तो 1 घंटे ज़रूर रखें। लगाने के बाद आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल शैम्पू से, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।